रेवंत अन्ना, अरे देर यू आर, हाउ आर यू सर? गुड गुड गुड, सुप्रभातम। प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मैंने सुना है आपने तेलंगाना ब्रेकफास्ट बनाया हमारे लिए। तेलंगाना ब्रेकफास्ट, सेकंड ब्रेकफास्ट फॉर अस। कम प्लीज बिफोर यू गो ऑन द कैंपेन। अरे वाह, यू हैव मटन एंड ऑल इन द मॉर्निंग? यस, वेरी नाइस। यस, फुल्ली नॉन वेज? यस, इवन इन मॉर्निंग। अच्छा, पूरी? पूरे मटन, कीमा, चिकन, माय गॉड, वड़ा इज देयर फॉर यू, वड़ा इज देयर, इडली इज देयर। आई डोंट ईट वड़ा इडली, यू ईट द मटन सर। मैं भी थोड़ा मटन खाऊंगा। वेरी गुड, यू नीड एनर्जी फॉर कैंपेन। एक्सलेंट, अर्ली मॉर्निंग तेलंगाना मटन, दिस इज परफेक्ट फॉर इलेक्शंस ऑन माय प्लेट। टेल मी सर, मूड कैसा है? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मोमेंटम है, लेकिन एरिथमेटिक अभी भी केसीआर के पास है, क्योंकि उनके पास बड़ा लीड था लास्ट टाइम। 18 आपका 29% था, उनका 47% था। आपको बहुत बड़ा स्विंग चाहिए टू डिफीट केसीआर, आसान नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हर मेडिसिन के लिए एक एक्सपायरी डेट रहता है। मेडिसिन कितना अच्छा भी हो, एक्सपायरी डेट के बाद उससे कोई फायदा नहीं। केसीआर इज एक्सपायरी डेट मेडिसिन, तो एक्सपायरी हो गए अभी ज्यादा। कहां से ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? जैसे मैंने कहा, जितने भी चुनाव 10 साल में हुए हैं वो केसीआर जीते हैं। फॉर 10 इयर्स जो भी चुनाव हुआ है, केसीआर इज नंबर वन। फिर आप कह रहे हैं एक्सपायरी डेट, क्यों एक्सपायरी डेट, क्यों होगा एक्सपायरी डेट? मल्काजगिरी पार्लियामेंट जहां से मैं जीता है, इंडियाज बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई हैव 35 लाख वोटर्स इन माई पार्लियामेंट। असेंबली चुनाव में 2018 दिसंबर, उनको 7 असेंबली में 3,75,000 मेजॉरिटी था। 3 महीने के बाद जो पार्लियामेंट चुनाव हुआ था, मुझे 11,000 वोट ज्यादा देकर मुझे जितवाए। तो 3 महीने में कैसे बदलाव आए? वेन ही वॉज हैविंग 3,75,000 मेजॉरिटी, 3 महीने में उनके कैंडिडेट को हरा दिए। सर, 2020 हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, केसीआर नंबर वन, बीजेपी नंबर टू, यू केम नंबर थ्री। इन मेनी बाय इलेक्शंस यू हैव नॉट बीन एबल टू डिफीट केसीआर। डू यू एडमिट एटलीस्ट केसीआर को हराना मुश्किल है? नामुमकिन तो कुछ नहीं होता, मुश्किल तो है कि एडमिट करते हो कि नहीं? एज इट इज कांग्रेस पार्टी के हिसाब से अगर बात किए तो मुश्किल है। जनता की तरफ से देखे तो आसान है, क्योंकि अभी जनता, तेलंगाना की जनता तय कर ले इस बार किसी हाल केसीआर परिवार को हराना है। तो केसीआर वर्सेस जनता बन गया इलेक्शन, केसीआर परिवार वर्सेस जनता, 4 उनके परिवार लोगों को, 4 करोड़ लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है। तो आप व्यासदेव जी, आपके एक्सपीरियंस से बोलो, एक परिवार के खिलाफ पूरा तेलंगाना खड़े रहकर चुनाव हराने के लिए कोशिश करे, कौन जीतने वाले? नहीं, मेरा आपसे यही पूछना था कि कांग्रेस में ये कॉन्फिडेंस क्या कर्नाटका के बाद आपको आया है कि कर्नाटका में हमने कर दिया तो तेलंगाना में कर सकते हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन भी वीक था व्हेन यू टुक ओवर। ऑर्गेनाइजेशन वॉज वीक। आर यू टेलिंग मी दैट इन 2 इयर्स एवरीथिंग हैज चेंज्ड? 2 इयर्स बहुत लंबा रास्ता है कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए, पार्टी को स्ट्रक्चराइज करने के लिए। भारत जोड़ो के बाद लोगों के दिमाग में कुछ सोच बदलाव आए। भारत जोड़ो 20 दिन था, अब विजुअल्स देखो, चार मीनार जहां पर आपका एमआईएम घट समझ रहा है। एक बार राहुल जी चार मीनार के ने जो झंडा, तिरंगा झंडा लहराए थे, वो समय पर देखो कितने लाख लोग थे वहां पर। So you are saying even MIM you will be able to take on in old city of Hyderabad? Definitely. Because definitely. MIM has been dominant for 20-30 years here. अब देखते रहो क्या होने वाले। What is the main issue? आपने corruption का मुद्दा उठाया है। They are saying Revant Reddy has sold tickets. Who is he to talk about corruption? वो कहता है कि आप लोग हमको मैड डॉग कहते हैं, असली कुत्ता रेवंत रेड्डी, इस तरह की भाषा भी होती है। और कहते हैं करप्शन कौन रेवंत रेड्डी होता है हमारे बारे में बोलने वाला? यू हैव सोल्ड टिकट्स।
तो मैं इससे पहले भी आपके शो में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, पहले कांग्रेस पार्टी के तरफ से कोई चुनाव लड़ने का नहीं है, 50-60 सीटों में कोई टिकट मांगने वाला नहीं है, कांग्रेस तो ऐसे ही बेकार है, ऐसी भाषण दे रहे थे केसीआर के टीआर। अभी बोलने लग गए कि कांग्रेस के टिकट करोड़ों में बिक रहा है, मतलब कोई आदमी कोई आदमी पागल तो नहीं होता है ना, उनका इन्वेस्टमेंट जहां पर लगा रहे बोल के जो आरोप आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, साफ कांग्रेस पार्टी जीतने वाले है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, कांग्रेस में कोई पीसीसी अध्यक्ष लेवल पे टिकट तय नहीं होते, देर इज एन स्क्रीनिंग कमिटी फॉर स्टेट, देर इज एन सीईसी, सीईसी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, 16 सीनियर लीडर्स सब बैठकर हम 1-2-3 प्रपोजल दे सकते हैं थ्रू स्क्रीनिंग कमिटी, वी कैनॉट गिव एनी टिकट। तो वहां पर पूरा चर्चा होने के बाद एंड थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, सुनील कनगोलू इज देयर, ही हैज टू वेरीफाई, ही हैज टू सर्टिफाई ईच एंड एवरी कैंडिडेट। आई वॉन्ट टू टेल यू, सुनील कनगोलू इज द कांग्रेस इलेक्शन इन चार्ज, ही इज द बैक रूम ऑपरेटर, ही इज फुल्ली फोकस्ड एट द मोमेंट ऑन तेलंगाना, planning the entire campaign. He's seen now as the Congress's answer to what Prashant Kishore once was in the BJP. मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा लेकिन, कि रेवंत जी मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर कांग्रेस जीतता है, आप बनेंगे या कोई और बनेगा, क्योंकि इस पर भी कांग्रेस ने तय नहीं किया कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। कांग्रेस के नेता बनेगा, एआईसीसी तय करेगी कौन बनने वाले हैं। नहीं नहीं, आप स्माइल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके स्माइल में मुझे सही, आर यू द चीफ मिनिस्टर फेस और नॉट, केसीआर पूछ रहा है कौन है, केसीआर पूछ रहा है कौन है कांग्रेस का फेस, बताओ। एज ऑफ नाउ मैं पीसीसी अध्यक्ष हूँ, चुनाव लड़ने का फेस मैं हूँ, सीएलपी एंड पीसीसी इज लीडिंग द कैंपेन, तो पोजीशन के हिसाब से कुछ रिकॉग्निशन जरूर मिलेंगे। तो मैं पीसीसी अध्यक्ष हूँ, स्टेट पूरा कोने कोने पे मैं जा रहा हूँ, जलसा कर रहा हूँ, तो पब्लिक का एक्सेप्टेंस है, वहाँ तक हमारा ड्यूटी दिए वो ड्यूटी कर रहे हैं, आगे कौन सी ड्यूटी देने वाले है पार्टी, क्या तय करने वाले हमें भी पता नहीं है। तो आप कह रहे हैं ये इलेक्शन केसीआर फैमिली वर्सेस जनता है, लेकिन क्या प्रचार ज्यादा है जमीन पर उतना है कि नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं, गुस्सा है कि नहीं लोगों में, जब मैं हैदराबाद में लोगों को मिला वो बोल रहे हैं हैदराबाद वी आर वेरी हैप्पी, बहुत विकास हुआ है। कौन से विकास, ये एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप बोलो, केसीआर ने किया, आप मेरे ख्याल से बहुत सालों से मीडिया इसमें है, एंटायर हैदराबाद, मैं आपके माध्यम से मैं केसीआर और केटीआर को सवाल पूछना चाहता हूं, आस्क देम टू शो वन स्ट्रक्चर, दे आर सेइंग मैक्सिमम आईटी जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन हैदराबाद, हैदराबाद इज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द कंट्री, इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इनटू हैदराबाद, दे आर क्लेमिंग वी हैव इंप्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ रोड्स, वी आर बिल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स, दीज आर आवर अचीवमेंट्स एंड दे हैव ऑल दीज अचीवमेंट्स दैट दे क्लेम विल मेक एटलीस्ट हैदराबाद वोट फॉर केसीआर। Can I give you only one line answer for this? This is called nuclear chain reaction. 93 से शुरू होकर till 23, all these 30 years, the IT sector, pharma sector and health sector is growing like anything in Hyderabad city. కాంగ్రెస్ వాజ్ ఇన్ పవర్, నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి లేడ్ ద ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఆఫ్ హైటెక్ సిటీ, యూ వాంట్ గివ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఆల్సో సమ్ క్రెడిట్, కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, దట్ ఇస్ వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ कंटिन्यूस प्रोसेस में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज, हाईटेक सिटी, मेट्रो रेल, कृष्णा वाटर फॉर हैदराबाद, गोदावरी वाटर फॉर हैदराबाद, ऑल दिस जितने भी डेवलपमेंट हुआ है कांग्रेस के एरा में ही हो चुका है, केसीआर आने के बाद नया कौन सी लाया। एक मुझे बताइए, आपने बहुत फ्रीबीज अनाउंस किया है कि आपकी सरकार आएगी, 2500 टू वुमेन, ओल्ड पेंशन स्कीम, all of these are people are saying are freebies, prime minister is saying it's a freebie. To main ek baat kehna chahta hu, jisko qualification hai
उन लोगों को मौका देना है, जिसको निसहाय मतलब सरकार के तरफ से जो लोग देख रहा है मदद के लिए, सरकार का जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग अपने अपने परिवार है, अपने परिवार को, अपने परिवार को मदद करने के जो वजन उठाया है सरकार ने, उनको मोदी जी क्या कह रहे हैं, केसीआर जी क्या कह रहे हैं, हमको कोई ज्यादा परवाह करने का जरूरी नहीं है। टेल मी वन थिंग, बीजेपी क्या रोल है उनका? आपका वोट तो एंटी केसीआर, अगर इतना फीलिंग है बीजेपी भी वोट ले लेगा, मोदी जी इज गोइंग टू कम हियर डू बिग रोड शोज एंड ऑल। वो केसीआर टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर है। कौन? बीजेपी। बीजेपी, बीजेपी। आप क्रिकेट में कबड्डी में एक्चुअल प्लेयर्स खेलते रहते हैं, कुछ लोग बाहर बैठे रहते हैं एक्स्ट्रा प्लेयर सब्स्टिट्यूट, मगर इसमें किसी को चोट लग गए कहीं ऐसा हो गया तो उनको रिप्लेस करने के लिए। मैं ज्यादा फुटबॉल देखता हूँ। फुटबॉल फैन? हु इज योर फेवरेट फुटबॉल टीम? अभी छोड़ा, अभी उसके ध्यान जा रहा है। अरे कोई तो होगा फुटबॉल फेवरेट टीम। डिगो मैराडोना, क्यों मैराडोना? डिएगो, अरे मैराडोना फैन, लवली, यू आर अ मैराडोना फैन। व्हेन आई वाज यंग यू वाज द स्टार ऑफ, आई वाज आल्सो अ मैराडोना फैन, नाउ आई एम अ रोनाल्डो फैन। अभी इतना अपडेट नहीं हुआ, इतना अपडेट नहीं हुआ, प्रोफेशन बदल गया ना। सो यू आर सेइंग बीजेपी इज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर, बीजेपी का कोई रोल नहीं होगा? रोल ही नहीं है वो, आपका वोट काटेगा एंटी केसीआर? वो कोशिश कर रहे, इसीलिए बोल रहा हूँ, हमारे वोट नहीं, एंटी इनकम्बेंसी वोट काटने के लिए कोशिश कर रहे केसीआर को जिताने के लिए। तो बीआरएस, बीजेपी, एमआईएम इज एनडीए कूटमी, दे आर ऑल टुगेदर, टुगेदर कांग्रेस, सीपीआई, तेलंगाना जनसमिति, दिस इज इंडिया कूटमी। नाउ इन तेलंगाना द इलेक्शन बिटवीन टू ग्रुप्स, वन इज बीआरएस, बीजेपी, एमआईएम, द अदर वन इज कांग्रेस, सीपीआई एंड तेलंगाना जनसमिति। प्रोफेसर कोदन राम, Revanth Reddy ji, tell me, you have been making corruption allegations against the family. If you come to power, will you order investigation, or is this is only for elections only? No. Election ke baad you will be okay. Nahi, hamara manifesto. You were once in ABBP, once in Telugu Desam, now Congress. People will say you will do a deal. Ye. Koi deal hoga ki nahi? Nahi, Congress party mein मैं अकेला कुछ डिसीजन नहीं कर सकता हूँ, पार्टी का डिसीजन आगे जाएंगे। पार्टी तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया कि सिटिंग जेट से इंक्वायरी करने के लिए, ऑल द प्रोजेक्ट, लिफ्ट इरिगेशन, व्हाट एवर, लैंड अलॉटमेंट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड अदर व्हाट एवर करप्शन चार्जेस आर देयर, वी आर गोइंग टू गिव इंक्वायरी ऑर्डर ऑन दैट। आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस, पीपल टेल मी मनी पावर इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑल्सो इन तेलंगाना। आई एम टोल्ड 20-30 crores पर कंस्टिट्यूएंसी इज बींग स्पेंड बाई कैंडिडेट्स। आप कितना स्पेंड कर रहे हैं? ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट आंसर, 20 crore, 30 crore, 40 crore, 50 crore, उसके नीचे कोई बात नहीं करता इधर। मैं एक बात कहूं, एक ऐसे है कि एक क्वेश्चन ऐसे है, हर दिन आपके बेबी को पीट रहा है, ऐसा पूछे तो वो जवाब देंगे नहीं पीट रहा हूं बोले तो, इससे पहले आप मारते थे, अब हाँ बोले तो कंटिन्यूस वो चल रहा है, वैसे आपके क्वेश्चन। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि पैसे की राजनीति है कि नहीं? पैसे के राजनीति केसीआर एंड बीजेपी का, कांग्रेस के राजनीति सोशल एंगल। यू हैव गॉट 10 crores, दे हैव गॉट 20 crores, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। नो नो, बट द फैक्ट इज दैट अ फैक्टर दैट विल डिसाइड दिस इलेक्शन? नो, कैंपेनिंग के लिए वो फैक्टर है, नॉट फॉर द वोटिंग, वोटिंग पैटर्न के लिए वो कोई फैक्टर नहीं। अगर वो बात सच्चा रहे तो तेलंगाना आंदोलन के समय पर केसीआर का ने क्या था, रबर चप्पल था, हरीश राव रबर चप्पल से घूमते थे फटे हुए कपड़ों से, फिर हर बार तेलंगाना में चुनाव आए तो तब टीआरएस जीत रहा था ना, कहां से जीते? तो आज भी वो अमीर बन गए, अदानी बन गए, नहीं तो चार्ली सोबराज बन गए, हमको तेलंगाना जनता को कोई परवाह नहीं है। तेलंगाना जनता जो डिसाइड किए वही तरीके से वोटिंग पैटर्न आने वाले हैं। ओके, 3rd of December काउंटिंग डे, इफ यू विन द इलेक्शन विल यू स्टिल गिव मी अ ब्रेकफास्ट लाइक दिस? डेफिनेटली, 9th December, 9th December यू आर गिविंग मी ब्रेकफास्ट, 9th December स्वेरिंग इन। वो रोज कांग्रेस उस दिन एलबी स्टेडियम मॉर्निंग 10:30 कांग्रेस पार्टी का स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू दूंगा, मेरे घर पे लंच दूंगा, ब्रेकफास्ट के टाइम पर मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ तो लंच समय तक 1 o'clock। यू आर ऑलरेडी अनाउंसिंग 9th of December स्वेरिंग इन सेरेमनी इन एलबीएस स्टेडियम? यस, 10:30 मॉर्निंग, आप लोग जरूर आने वहीं से। यू आर बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंट। अब देखो, 20 साल मैं अपोजिशन में बैठ बैठ कर मेरे को जनता क्या सोचते वो पता है, तो जिस दिन मैं
मलकाजगिरी पार्लियामेंट चुनाव लड़ा था, ऐसी बोले कहूंगा बीआरएस के 3,75,000 मेजोरिटी है, ऐसे जगह में आपको क्या करने वाले हैं। मैं उसी दिन बोला था 10,000 से 15,000 के अंदर मैं जीतने वाले हूँ, सो 11,000 वोट से मैं जीता है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दोज़ हू से रेवंत रेड्डी जो है ना वो भी जानता है कैसे फाइट करना है? तो अपोजिशन में ज्यादा साल अगर बैठे तो आपको समझ में आ जाएंगे। वो तो फाइटर ही अपोजिशन में बैठ सकते हैं। आप समझो जैसा भी गली से लेकर दिल्ली तक जो मौका मिलेंगे हम तो उसको तो नाइस लाइन फ्रॉम गली टू दिल्ली दैट इज रेवंत रेड्डीज राइस। सर व्हेन आई कम टू तेलंगाना आई हैव टू हैव निजामी स्टाइल फूड, सो यू हैव गिवन मी अ निजामी स्टाइल ब्रेकफास्ट, वील सी वेदर यू बिकम द नेक्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। दैट्स द क्वेश्चन दैट स्टिल लाइज अहेड। निजाम को बुलवाने के लिए हमारा कोशिश है। ओके, थैंक यू वेरी मच रेवंत रेड्डी, द कांग्रेस इज मैन ऑफ द मोमेंट। वील सी whether he actually gets sworn in on the 9th of December as he is promising. The good news, win or lose, he is going to give us lunch. Definitely. Har jeet to hota hai life mein, football match ki tarah hai. Nahi, is baar hum jeetne wale hai. Janta jitane wale. Janta jitane wali hai, janta janardhan.